मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, शिवाजी महाराज की धरती पर आवाज ऐसी होगी क्या? मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे देश में एक संदेश दिया है एकता और अखंडता का। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, देश की एकता और अखंडता के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिनके नेतृत्व में फिर से एक बार महाराष्ट्र ने अपना गौरव पुनः प्रस्थापित किया है, ऐसे भाजपा के नेता और युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भाई भूपेंद्र यादव जी, हमारे सह संगठन मंत्री श्रीमान वी सतीश जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विजय देशमुख जी, श्री सुभाष देशमुख जी, विजय दादा पाटिल जी, श्री गिरीश महाजन जी, संभाजी राव जी, श्री सुरेश काड़े जी, सदाभाव खोत जी, जय सिद्धेश्वर महाराज यहाँ के सांसद महोदय, महाड़ा के सांसद रणजीत जी, यहाँ की महापौर श्रीमती शोभा ताई और आज इस सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के कलेजे के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। मित्रों, सबसे पहले मैं शिव योगी सिद्धेश्वर महाराज को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और आजादी के लिए कश्मीर घाटी में अपने जान गंवाने वाले इसी धरती के सपूत मेजर कुणाल गोसावी को भी प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज सोलापुर की ऐतिहासिक और पवित्र धरती पर देवेंद्र जी की यात्रा के दूसरे चरण के समारोह पर मैं आया हूं, तब ये महान महाराष्ट्र की भूमि जिन्हें हमेशा स्वराज, स्वधर्म और स्वदेश की आहलेख जगाई, ऐसे समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज की पुण्य स्मृति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। तिलक महाराज और वीर सावरकर को भी स्मरण करता हूं, आंबेडकर और छत्रपति साहू जी महाराज को भी याद कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, मैं लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बार आया हूं। लोकसभा के चुनाव में हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र की जनता को अपील की थी, आह्वान किया था कि देश में एक मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, और महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी के आह्वान को आशीर्वाद में पलटकर 48 में से 41 सीट एनडीए को देकर आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और इसलिए सोलापुर की धरती पर से समग्र महाराष्ट्र की महान जनता को मैं दो हाथ जोड़कर धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूं कि आपके ही आशीर्वाद के कारण आज नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं और एक मजबूत सरकार देश को देने का काम किया है। मित्रों, 2014 से लेकर 2019 तक देश में नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार चली। ये 5 साल का कालखंड महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद सदैव महाराष्ट्र कोई भी चीज उठाकर देख लो पहले नंबर पर रहता था।
मगर 15 साल एनसीपी कांग्रेस अघाड़ी की सरकार आई, इन्होंने जो भ्रष्टाचार का कलंक की गाथा लिखी, महाराष्ट्र पीछे 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 पड़ता गया। चाहे सहकारिता हो, चाहे औद्योगिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कृषि हो, चाहे साकर कारखाना का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, कपड़े का उत्पादन हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, हर जगह पे महाराष्ट्र पीछे पड़ता गया। मगर ये 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने महाराष्ट्र को फिर से गौरव दिलाकर देश के नक्शे पर नंबर 1 का स्थान दिलाने का काम किया है। और मित्रों, ये क्यों पिछड़े हैं? ये दोनों पार्टियां लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं मानती, दोनों पार्टियां परिवारवाद में मानती हैं। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं कि जो बड़े परिवार में जन्म नहीं लेते हैं उनको क्या लोकतंत्र में कोई अधिकार नहीं है? कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के नेतृत्व को देख लीजिए, बेटा बेटी, दामाद भाई, भतीजा, चाचा चाची, पूरा परिवार का कुनबा बैठा है। सोलापुर के युवा को क्या अधिकार नहीं है? मगर वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग राजनीति को अपने परिवार का ठेका मानते हैं। और वहीं से एक भ्रष्टाचार की शुरुआत। मित्रों, मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, लंबी बात करना नहीं चाहता भ्रष्टाचार पर। शरद राव के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में यहां सरकार बनी। अजीत पवार शरद राव के भतीजे खासम खास सिंचाई मंत्री बने। 74,000 करोड़ रुपया सिंचन के लिए आवंटित किया, एक बूंद पानी महाराष्ट्र के किसानों के खेत में नहीं पहुंचा। आप लोगों को याद है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, याद है या नहीं है? हमारे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 74,000 करोड़ रुपया चाऊ कर लिया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, सिर्फ 8,000 करोड़ रुपया छोटी सिंचाई के लिए, जलयुक्त सिवार के लिए दिया। 22,000 गांवों में, मैंने आज ही हेलीकॉप्टर से देखा है, 22,000 गांवों में पानी ही पानी हो गया। मित्रों, इसको कहते हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए काम करने वाला नेता। मगर यूपीए सरकार, ये कांग्रेस एनसीपी अगाड़ी भ्रष्टाचार के अलावे कोई काम नहीं किया। केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, यहां पर भी यूपीए की सरकार थी, और केंद्र के अंदर 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किया। कितने कितने नाम गिनाए, ऐसे लेकर जेड तक कोई शब्द बाकी नहीं रहा, हर शब्द से भ्रष्टाचार। आप जानते हो आदर्श के भ्रष्टाचार को, सेना के जवानों के, शहीदों की विधवाओं के लिए बनाई हुई स्कीम कांग्रेस के नेता चाऊ कर गए। ऐसे 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे नरेंद्र मोदी जी की सरकार 14 से 19 तक चली, 1 रुपये का घोटाले का आरोप भी आज हम पर कोई नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने, देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी पारदर्शिता के साथ महाराष्ट्र और देश का शासन किया है, और इसी का परिणाम है कि आज महाराष्ट्र नंबर 1 के मुद्दे पर देखा जा रहा है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा बैंक योजना, लगभग लगभग 1 करोड़ लाभार्थी, 52,000 करोड़ रुपया। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना, 2.5 करोड़ खाते खुले। सौभाग्य योजना, 15,17,000 घरों का विद्युतीकरण। उजाला बल्ब, 2 करोड़ बल्ब वितरित। उज्ज्वला योजना, 40 लाख गरीबों को गैस के कनेक्शन दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, 3,25,000 गरीबों को घर दिए। स्वच्छ भारत अभियान, लगभग लगभग 63 लाख लोगों को शौचालय दिया। भारत नेट से जुड़ी हुई 15,000 पंचायतें। और मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, 2 करोड़
38 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों ये काम एक 5 साल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने का लॉलीपॉप कितने दिनों से देते थे, देवेंद्र जी की सरकार बनी, मोदी जी के हाथ से जल पूजा कर वो प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इंदू मिल में भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर का भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने की शुरुआत की और सबसे बड़ा काम किया देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने स्थिरता देने का काम। मित्रों महाराष्ट्र के अंदर सत्ता की खींचतान एक संस्कृति बनकर रह गई थी। 1972 के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री ने 5 साल समाप्त किए हैं, मेरे भाई देवेंद्र फडणवीस ने समाप्त किए। वसंतराव नाईक के बाद देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री है जिसने 5 साल समाप्त किए हैं, जिनके नेतृत्व में भाजपा और सेना दोनों एकजुट होकर काम किए हैं और स्थिरता से ही विकास आया है। और आज स्थिति तो ऐसी हो गई है कि दादा पाटिल को मेरे जैसे कई लोग रोक रहे हैं, अगर दादा पाटिल पूरा दरवाजा भाजपा का खोल दे तो शरद राव और पृथ्वीराज चौहान के अलावे कोई कांग्रेस और एनसीपी में दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे खाली हो। मित्र स्थिति क्यों हुई? इतने साल की राजनीति, इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, अभी अभी 15 साल सरकार चलाई, मगर आपने अपने परिवार की चिंता की, हमारे मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की जनता की चिंता करी, इसलिए सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। मैं अभी अभी यहां आने के पहले शरद राव के स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने पूछा कि यात्रा क्यों निकाल रहे हैं और यात्रा निकाले तो हिसाब दे। शरद पवार जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी कार्य संस्कृति है जनता जब हमें जनादेश देती है तो पल पल और पाई पाई का हिसाब लेकर जाते हैं, डरते नहीं है। भाई देवेंद्र 2 चरण समाप्त करें, तीसरा भी समाप्त करेंगे, 160 से ज्यादा विधानसभाओं के अंदर जाकर अपने 5 साल के समय का और एक एक पैसे का हिसाब देने के लिए निकले हैं। मगर आपने हिसाब मांगा है, मैं आपको हिसाब पूछना चाहता हूं। देवेंद्र तो दे देंगे हिसाब, मगर शरद पवार जी आप सुन रहे हैं तो कल जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिसाब दीजिए। 15 साल आपकी सरकार चली, केंद्र के अंदर 10 साल आपकी सरकार चली, आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? मित्रों जब यूपीए की सरकार केंद्र के अंदर चल रही थी, यहां पर भी एनसीपी कांग्रेस की अघाड़ी की सरकार चल रही थी, 13वें वित्त आयोग के अंदर महाराष्ट्र को 1,15,000 करोड़ रुपया दिया था। मैं फिर से बोलता हूं, सोलापुर वाले आंकड़े याद रखे, शरद राव जब यहां आए तब पूछना है आपको, पूछोगे क्या? जोर से बोलो, पूछोगे क्या? 13वें वित्त आयोग में रुपया दिया था 1,15,000 करोड़। कितना दिया था भाई? बरोबर याद रह गया है। अब मोदी जी की सरकार 14 में बनाई, देवेंद्र की सरकार आपने 15 में बनाई, ये दोनों सरकारें आई, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 1,15,000 से बढ़ाकर 2,86,354 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 2.5 गुना से ज्यादा अधिक पैसा हमने दिया है। और जब केंद्र यहां पैसा भेजता है, आपका जमाना था 100 पैसा भेजते थे 85 पैसा चाऊ हो जाता था। आपके ही प्रधानमंत्री ने कहा था, मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, देवेंद्र फडणवीस 125 पैसे का काम करते, 125 रुपये का काम करते हैं। तो 25 रुपया लोगों के पास से लाकर जन भागीदारी से जोड़ने का काम ये महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। मित्रों बहुत सारे मामले में जाना नहीं चाहता,
मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ने हमेशा देश का नेतृत्व किया है, देश की राजनीति को ताकत देने का काम किया है। यही धरती है जहां से शिवाजी महाराज ने स्वराज की आहलेख जगाई थी, हिंदू स्वराज, हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। ये यही भूमि है जहां समर्थ रामदास ने कहा था अपना स्वराज लेकर रहना है, और वो सिवा निकल पड़ा और यहां से लेकर अफगानिस्तान तक भगवा झंडा फहराने का काम शिवाजी महाराज ने किया। मैं आज आप सबको पूछना चाहता हूं, अभी अभी मोदी जी संसद के अंदर 70 साल से धारा 370 और 35 से हर देशभक्त भारतीय के दिल में कांटे की तरह चुभती थी या नहीं चुभती थी? जोर से बोलो, चुभती थी या नहीं चुभती थी? सरदार पटेल ने 630 रियासतों को इकट्ठा किया, सरदार पटेल को कश्मीर की जिम्मेदारी नहीं दी, कश्मीर भारत के साथ 370 के कारण हमेशा के लिए एक दूरी बनाकर रहा। मोदी जी आए, आपने उनको ताकत दी, 305 सीटें दे दी। अभी अभी जो सत्र हुआ 5 अगस्त को, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की संसद ने धारा 370 और 35 को हटा दिया। आज हमारा कश्मीर जो भारत माता का मुकुटमणि है वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर का विकास के सारे दरवाजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खोल दिए। देश की एकता और अखंडता को मोदी जी ने लोहे की तरह मजबूत कर दिया, पाकिस्तान के सारे इरादों पर पानी फेरने का काम कर दिया, और आतंकवादियों को आंख में आंख डालकर कहा सरहद के उस पार रहो, उसमें आपकी भलाई है, इस पार आने की हिम्मत मत करना। मित्रों, 70 साल तक मैं देश की राजनीति के इतिहास का विद्यार्थी हूं। 70 साल तक देश की जनता ये चाहती थी मगर लोग भूल गए थे, क्योंकि होता ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अकेली ये मुद्दे को लेकर चलती थी, धीरे धीरे ऐसा कहते थे, भाजपा भी बोलने के लिए बोलती थी, होता ही नहीं। मगर नरेंद्र भाई ने हिम्मत करा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावे कोई प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि धारा 370 को उखाड़ करते हैं। मगर मैं आज पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है भाइयों, सिर्फ सोलापुर नहीं, पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है। मैं आज आपको पूछने आया हूं, सोलापुर और महाराष्ट्र की जनता को पूछने आया हूं, मुझे बताइए धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? हटाइए, अच्छा किया या बुरा किया? 35 से हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? हटाइए, अच्छा किया या बुरा किया? आप सब कह रहे हो अच्छा किया, आप सब कह रहे हो हटानी चाहिए। ये शरद राव, राहुल बाबा छातियां पीट पीट कर रो रहे। मैं आज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और एनसीपी के नेता शरद पवार जी को कृपया महाराष्ट्र की जनता के सामने चुनाव के पहले स्पष्ट करिए कि आप धारा 370 हटाने का समर्थन करते हो या नहीं करते हो। महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कांग्रेस और एनसीपी क्या चाहती है। देश के अंदर आतंकवाद चलता रहे, पाकिस्तान के आतंकवादी यहां आकर हिंसा का तांडव करते रहे, क्या चाहते हैं आप? मित्रों, मुझे आज आपके सामने फरियाद करने के लिए आया। अभी अभी राहुल गांधी ने बयान दिया धारा 370 हटाकर भाजपा ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर हिंसा हो रही है। मैं आपको बताने आया हूं, 5 और 6 अगस्त को धारा 370 हटी, तब से लेकर आज तक कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली, एक भी टियर गैस नहीं छूटा।
एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है और राहुल गांधी कह रहे हैं कश्मीर के अंदर अशांति है। उनके स्टेटमेंट का उपयोग पाकिस्तान की संसद भारत के खिलाफ करती है, उनके स्टेटमेंट का उपयोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री यूएन में पिटीशन देने के लिए करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप किस देश के लिए बोल रहे हो? आप जो बोल रहे हो वही पाकिस्तान बोल रहा है, आप जो बोल रहे हो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता है, आपका पर्पस क्या है? मित्रों पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जोर से बोलिए, पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? अरे भाई मगर मैं सोलापुर में कहां रहता हूं, एक कांग्रेसी वोट मांगने आए, एनसीपी वाले वोट मांगने आए तो आप पूछोगे क्या? आप पूछोगे क्या? और मित्रों सिर्फ धारा 370 का सवाल नहीं, जेएनयू में नारे लगे भारत माता तेरे टुकड़े हो 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लगने चाहिए ऐसे नारे देश में? लगने चाहिए? राहुल गांधी वहां जाकर खड़े हो गए, कहने लगे वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मजीद मेमन खड़े हो गए संसद में, धारा 370 रहनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रिया सुले जी भी थी, इन्होंने भी धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट दिया है, सोलापुर की जनता को उनको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? दूसरी बार मोदी जी ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करी तो राहुल गांधी बोल पड़े, देश भर में आनंद उत्साह, फटाके जलाना, भारत माता की जय के नारे, विजय उत्सव मन रहा था। और ये भाई साहब निकले और कहा फोटो कहां है? अब जैसे ही वो बोले पाकिस्तान ने शुरू किया, फोटो कहां है? मगर साहब सच की ताकत देखिए, आज इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों हुए थे, दोनों हुए थे। मित्रों जब जब भी देश की सुरक्षा का मामला आता है कांग्रेस अलग राग गा पाती है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, देश हित के मामलों में भी देश की सारी पार्टियां एकजुट होकर पार्टी के हितों से ऊपर उठकर स्टैंड नहीं ले सकती क्या? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बहुत सारे मुद्दे चुनाव लड़ने के, आ जाइए मैदान में, दो दो हाथ कर लेंगे, कोई नहीं डरता आपसे। मगर जहां भारत माता की सुरक्षा का सवाल है वहां मतभेद कैसे हो सकते? हम भी सालों तक विपक्ष में बैठे, बांग्लादेश का युद्ध हुआ, कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, अटल जी ने संसद के फ्लोर पर बांग्लादेश के युद्ध में सरकार का साथ देने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 65 का युद्ध हुआ, हम विपक्ष में थे, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, अटल जी ने उस वक्त भी सरकार का समर्थन करने का काम किया। और मित्रों 94 में जब फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर पर सवाल उठाया, नरसिम्हा राव एक प्रस्ताव लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में वो प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब जो 94 में प्रश्न उठा कि यूएन के अंदर भारत का केस मजबूती के साथ कौन रखेगा, उस वक्त के कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने कहा कि अटल जी के अलावे कश्मीर में, यूएन में कश्मीर के बारे में भारत का पक्ष कोई नहीं रख सकता। अटल जी क्या आप भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूएन में करेंगे? अटल जी विपक्ष के नेता थे, अटल जी ने तुरंत खड़े होकर कहा कि हम राजनीति के लिए नहीं जीते हैं, मां भारती के लिए जीते हैं, मैं जरूर जाऊंगा। और मित्रों भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी यूएन में गए और भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। मैं राहुल गांधी जी को इसलिए याद कराना चाहता हूं कि जब हम विपक्ष में थे, जब जब देश को जरूरत पड़ी आपकी पार्टी के साथ खड़े रहे। अभी तो
आपके साथ की कोई जरूरत भी नहीं है, मगर आप कहते भी नहीं हो, मगर हम कुछ अच्छा करते हैं, कम से कम चुप तो रहा करो भैया, चुप तो रहा करो। मित्रों, कांग्रेस ने हमेशा से अपने वोट बैंक की राजनीति को, अपने सत्ता के सुख को देश के ऊपर माना है। और मैं कहना चाहता हूं, धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव महाराष्ट्र के अंदर आना है। और राहुल गांधी जी कहते हैं धारा 370 हटना ये बहुत बड़ी गलती है, महाराष्ट्र की जनता तय कर दे कि धारा 370 हटना गलती है या हट करने जैसा काम किया है। आप करोगे क्या? तय करोगे क्या? मित्रों, धारा 370 के मामले पर राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ना है तो हमें कोई चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है। देश की जनता चट्टान की तरह श्री नरेंद्र मोदी के साथ धारा 370 के मामले में खड़ी है। देवेंद्र जी ने 5 साल तक समाज जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श से इस तरह की सरकार यहां चलाई है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिजली पहुंचाना है, जो चाहे जल संचय करना हो, चाहे समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों को फायदे पहुंचाने हो, हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए सरकार चलाई है। मगर ये 15 साल जो कर गए हैं, इसका खड्डा इतना ऊंडा है, इतना डीप है कि इसमें से महाराष्ट्र को बाहर निकालने में बहुत देर लगेगी। और इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ कि हमारे देवेंद्र फडणवीस को एक मौका और दे दीजिए, 5 साल में महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे देवेंद्र फडणवीस, ये जोड़ी महाराष्ट्र के लिए मणिकंचन की युति का काम करने वाली है। मित्रों, महाराष्ट्र के विकास को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ाएगी। बताओ सोलापुर वालों, फैसला क्या है भाई आपका? देवेंद्र फडणवीस का साथ दोगे? 370 हटाने के लिए मोदी जी का साथ दोगे? फिर से भाजपा सेना युति की सरकार बनाओगे? फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और फिर एक बार शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे, बोलो जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, भारत माता की जै।